कन्या के महत्व और समाज में उनकी भावदारी को दर्शाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा रामपुर के अयोध्यानाथ मंदिर परिसर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि धार्मिक तौर से भी कन्या का कितना महत्व है। कन्या के महत्व और समाज में उनकी भागीदारी को दर्शाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा रामपुर के अयोध्यानाथ मंदिर परिसर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि धार्मिक तौर से भी कन्याओं का कितना महत्व है। कन्या के बिना समाज का निर्माण एवं वंशज को चलाना संभव नहीं है, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्यों से सजग होकर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इसका मुख्य मकसद सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रभावी व सार्थक करना है। इस कार्यक्रम के दौरान रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व महिलाओं ने भजन कीर्तन का आयोजन किया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन से लोगों में कन्या सुरक्षा के प्रति सजगता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा ऐसे कार्यक्रम दूर दराज के गांवों तक पहुंच रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजना विशिष्ट ने बताया कि रामपुर में मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कन्या पूजन से समाज में कन्याओं का क्या महत्व है, लोगों को संदेश दिया गया। साथ ही पुरानी परंपरा जो चली आ रही है, कन्याओं को देवी का रूप भी माना जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को जन जन तक भी पहुंचाया गया। मेरा नाम अंजना बिष्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मंदिर में, ये क्या कहते हैं, एक मतलब आईसीडीएस के, मतलब हमारे आईसीडीएस विभाग के तहत कन्या पूजन का आयोजन किया गया है। कन्या पूजन का मकसद ये है कि हम बताना चाहते हैं कि कन्या हमारे लिए किस तरह से, किस हदसे जरूरी, बालिका हमारे किस लिए जरूरी है। बहुत कन्या का महत्व है, कन्याओं को पूजा तक जाता है। हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार कन्या को देवी का रूप माना जाता है, देवी के नौ रूप माने जाते हैं, नौ कन्याओं की पूजा की जाती है। एक साथ में बेटे को बटुक कर रखा जाता है, लड़के की भी पूजा होती है। नौ कन्या पूजा मतलब नौ सप्तमी से शुरू हो जाती है, सप्तमी नौमी और अष्टमी और नौमी, इसमें कन्या की पूजा की जाती है। कन्या पूजने का मतलब यह है कि हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, कन्याएं जितनी जरूरी है हमारे को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमारे को इन कन्याओं के महत्व के बारे में बताना, हमारा यही मकसद था कि आज हम। बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय बद्रेल ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नवरात्रों के अवसर पर विभाग द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे लोगों तक संदेश भी पहुंचाया गया कि कन्या भ्रूण हत्या ना करें, समाज में महिलाओं का सम्मान करें, लोगों को पता चले कि महिलाओं के बिना समाज नहीं है, इसलिए कन्याओं के महत्व को बताने के लिए रामपुर के रघुनाथ मंदिर में कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नवरात्रों के शुभ पावन अवसर पर रघुनाथ टेम्पल में एक कन्या पूजन का आयोजन किया गया। समाज को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब लड़कियों की पूजा की जाती है तो उसको महत्व भी दिया जाए, कन्या भ्रूण हत्या ना करे। जब हम कन्या की पूजा कर सकते हैं तो कन्या में अगर गर्भ में कन्या है तो उसको महत्व दिया जाए और उसकी हत्या ना की जाए। और बेटियों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने ये तरीका समझा कि इस तरीके से भी हम जो है इस आयोजन को सफल बनाएं।